बिग स्टॉक से करी में क्या क्या? सबसे पहले तो जो मैंने सुबह सुबह कहा था मैरिको, मैरिको मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा। आई थिंक नंबर अच्छे हैं, लेकिन हमेशा इसी बोलता हूँ मैं, नंबर क्या है वो मैटर नहीं करता, पोजीशन क्या है वो ज़्यादा मैटर करती है। 200 डे मूविंग एवरेज है, काफ़ी करीब है स्टॉक। इसका सेटअप जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। इसके लिए कल मैं इसको देख के लग रहा था कि आज सुबह इसमें मेकअप ब्रेक होगा, अगर इसके भी नंबर्स खराब आ जाते तो इसमें भी वो बिटाई हो सकती थी। लेकिन इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखिए आप जरा, परीक्षे 12 महीने का है। एक बार इसका ना 1 महीने का और 3 महीने का चार्ट रख दीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस तरीके से FMCG में एक्सीडेंट्स हो रहे थे वहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने पोजिशनिंग उस हिसाब से पेयर कर रखी थी। 1 महीने में स्टॉक करीब करीब 9.5% से 10% के करीब गिर चुका है, और 3 महीने में भी ये देखिए यही ऑलमोस्ट हुआ, और अपने हाई से तो ये स्टॉक अब करीब करीब 100 रुपये करेक्ट हो चुका है। तो मैरिको को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। नंबर्स अच्छे हैं, रूरल नंबर अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, प्राइसिंग का ट्रेंड अच्छा है, वॉल्यूम ग्रोथ 5% की है, 4.5% का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर। और सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट बोल रही है कि डबल डिजिट इनकम ग्रोथ पॉसिबल है। सोचिए FMCG कंपनी का अगर डबल डिजिट इनकम ग्रोथ हो जाए तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। इसके लिए मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। वोल्टास को भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगेन कंजम्पशन वाला स्टॉक, यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, और ये स्टॉक्स भी सारे के सारे काफ़ी बैठ चुके हैं। तो 134 करोड़ वर्सेस 37 करोड़, मार्जिन भी बढ़ा, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है यहाँ पर। इसकी भी पोजिशनिंग थोड़ी वीक साइड पर ही है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक भी मेरे रेडार पर रहेगा। और दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में अभी तक गर्मी चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये दूसरा स्टॉक होगा। एक तीसरा स्टॉक मैंने ना अपना थोड़ा सा मन से लिया है, जिसमें कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरा एक जिसे कहते हैं ना एक हंच है, OFSS और एक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। मैंने ग्लोबल सेटअप में अल्फाबेट के नंबर्स की बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि क्लाउड के नंबर्स उनके काफ़ी अच्छे थे, मुझे उनका एक पॉजिटिव रीड थ्रू दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्लाउड एक बड़ा सपोर्ट बनने वाला है, और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो इस वजह से इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो 3 बिग स्टॉक्स हो गए, तीनों आज ग्रीन में लेके चल रहा है। ये लीजिए भाई साहब, रखिए रडार पे इन स्टॉक्स को, 2 नंबर्स पे, मैरिको और वोल्टा, दोनों कंजम्पशन स्टोरीज आज रखिएगा रडार पे। और अल्फाबेट के नंबर्स का रीड थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है किसी ओरेकल